हाय गाइस, वेलकम टू मल्टी केयर। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही छोटी सी चीज़ बताने वाला हूँ, जो कि है किसी भी फोल्डर का हम आइकन कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, ये जो डिफ़ॉल्ट आइकन होता है फोल्डर का, वो इस टाइप का होता है। तो चलिए देखते हैं इसका आइकन हम कैसे चेंज करते हैं। तो फोल्डर पर राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टी पर जाइए, और यहाँ पर कस्टमाइज का एक टैब आता है, कस्टमाइज टैब, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे चेंज आइकन का एक बटन आ रहा है, यहाँ पे चेंज आइकन, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको बहुत सारे आइकन्स मिल जाएंगे। ठीक है, सपोज मुझे ये आइकन रखना है, तो मैं इसे सेलेक्ट करके ओके करूँगा और फिर अप्लाई, फिर ओके। अब देख सकते हैं मेरा फोल्डर का जो आइकन है ऐसा बन गया। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरा फोल्डर ही है, लेकिन इसका आइकन चेंज हो गया। ठीक है, तो आप इसे किसी भी फोल्डर के साथ कर सकते हैं। जैसे एक मेरा फोल्डर है जीएसटी कैलकुलेटर, मैं इसका फिर से करता हूँ प्रॉपर्टीज, कस्टमाइज, चेंज आइकन, और मैं इसका आइकन बनाता हूँ ये, ओके, अप्लाई एंड देन ओके। आप देख सकते हैं इसका आइकन जो है इस टाइप का बन गया। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान और छोटा वीडियो था। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।